स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रामनगर की करेंगे, जहां पर रामनगर में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई। इस बीच एक रिजोर्ट संचालक की टीम के साथ नोकझोंक को लेकर सिंचाई विभाग ने पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही इस पूरी कार्रवाई को यहां पर पूरी तरीके से संचालित करने के लिए कहा गया है। दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। इसी के साथ आपको बता दें कि रिजोर्ट संचालक की टीम के साथ नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस को तहरीर इस पूरे मामले में दी गई है और साथ ही आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस तत्पर हो, ये भी कहा गया है। फिलहाल अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ये पूरे जो प्रयास हैं, अभियान है, इस समय जारी है रामनगर उत्तराखंड के अंदर। और लगातार जहां एक तरफ वनों की भूमि पर अधिग्रहण को लेकर कार्रवाई हो रही है, वहीं इस समय अतिक्रमण को लेकर तमाम तरीके से विभाग सक्रिय है। अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, तो अतिक्रमण से तो सारी दिक्कत है। ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है और तरह की न्यूसेंस होती है, तो उस सब को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये सब चल रहा है, और जिसमें सभी जिलों में ये कार्रवाई चल रही है, सभी विभाग और सभी जिलों में ये कार्रवाई चल रही है।